हाँ जी, मैं हाँ सतप्रीत, और आज तड़ा एक बार फिर स्वागत है पीबीएन म्यूजिक चैनल दे मोटिवेशन फॉर सोल टॉपिक में लेके मैं तड़े अगे एक बार फिर हाजिर हाँ। आज मैं जो गल करन जा रही हाँ वो है वुमन एम्पावरमेंट दी, जो कि आजकल बहुत ही मेन टॉपिक है, ज़्यादातर हर जगह इतने डिस्कशंस भी होंदिया ने। तो जो ये डिस्कशन होंगी है तो फीमेल्स ना गल होंगी है, तो वो पहली चीज़ यही कहें क्योंकि यदि जरूरत पई तो, क्योंकि असी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से रह रहे हैं। पर मैं ये नाल एग्री नहीं करती, क्योंकि हमेशा असी कहने हैं हर कामयाब मर्द के पिछे एक औरत का हाथ होंदा है, तो मैनू इदा भी लगता है कि एक हर कामयाब औरत के पिछे कितना ना कि एक मर्द की सपोर्ट भी होंदी है, चाहे वह फादर की होवे चाहे वह हस्बैंड की होवे। इसलिए जदों भी कोई भी चीज़ एम्पावरमेंट होंदी है उदे सपोर्ट सब दी ही चाहिए है। पहले तो यह वाला कॉन्सैप्ट चेंज होना चाहिए है। फिर फीमेल्स नूं क्यों एम्पावरमेंट की लोड़ पई उदा रीज़न मैं दसदी हाँ। फीमेल्स अपने आप ही अपने आप नूं किते ना किते एक वीक परसनैलिटी काउंट कर लैंदियां है। हुण मेरे को बहुत लेडीज़ आंदियां है जिहड़ियां वेट करके परेशान है या अपने बच्चों करके परेशान है, मेरे नाल डिस्कस करन आंदियां है। फिर मैं उन्होंने पहले कहनी हाँ कि मैम तुसी मैनूं दसो कि अगर तुहाडे अजे बॉडी खराब है या तुहाडे घर दा सिस्टम खराब है इहदा की रीज़न है। मैं एक्चुअली ना पहले फैमिली 'च बिजी रही, फिर बच्चे नूं वड्डे करन 'च हो गई, फिर मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। एक गलत एक समझदार औरत हर पक्ष 'च बैलेंस बना के चलती है, चाहे वह पेरेंट्स का घर होवे उत्थे एक अच्छी कुड़ी साबित होंदी है, फिर चाहे विआह के जाती है अच्छी नूंह के रूप 'च साबित होंदी है, फिर माँ बनती है तो अच्छी माँ दे। इस लई वुमन इनपावरमेंट मैं उत्थे कहूँगी उन्होंने खुद नू पहले समझण की बहुत जरूरत है कि इस टाइम मेरी की नीड है, क्योंकि आज वेस्टर्न कल्चर आके फीमेल्स के अंदर बहुत आ गया है कि असी तो बहुत जिंदगी घर के अंदर बिताई तो सानू हुण घर तो बाहर निकलण की जरूरत है। लेकिन वह भूल जांदियां है कि किन्ना भी बाहर निकलो वापसी सानू घर से ही करनी पैंदी है। इसलिए जे उन्होंने इंपावरमेंट यूज़ करनी है तो वो जो स्ट्रेंथ है एनर्जी है वो सब तो पहले अपनी फैमिली से लगान, अपने हस्बैंड समझन उन्हें सपोर्ट करन। इत कोई दो राय नहीं है कि अगर वो चंगी तरह अपने हस्बैंड को समझन गया तो हस्बैंड उन्होंने ना समझे, मैं इस चीज़ नाल बिल्कुल एग्री नहीं हाँ। फिर जो कहंदियां है कि मेरे बच्चे समझदार नहीं है, इत्थे बच्चे तो कोमल फुल होंदे आ, उन्होंने तुसी वड्डा कर रहे हो तो तुहानूं क्यों लगन लग जांदा कि बच्चा मेरे ही कहने च नहीं है। इत्थे किते ना किते गैप है तुहाडा ते उहनां दे विच कम्युनिकेशन दा। इस लई जदों बच्चा वड्डा हुंदा है उहदी असली गुरु उहदी माँ हुंदी है। सब तो ज़्यादा टाइम एक मदर बितांदी है अपने बच्चों के नाल, ते मदर किदां हो सकता है कि मदर कहे मैनूं पता ही नहीं चलिया मेरा बच्चा एक गलत ट्रैक ते क्यों हो गया। उत्थे किते ना किते की होया कि तुसी अपने ध्यान नूं किते होर ही डाइवर्ट कीता, जिथे देण दी जरूरत सी उत्थे नहीं दिता। इस लई मैं सारी फीमेल्स नूं इंपावरमेंट च लियाण लई तां कहनी हाँ कि उन्हां नूं खुद अपने आप च पावरफुल होण दी बहुत जरूरत है, क्योंकि जिहड़ा उन्हां दा रोल है वो बहुत ही स्ट्रोंग रोल है घर दे विच बच्चों दे विच। हमेशा अगर कोई बच्चा गलत कहे तुसीं अज तक नहीं सुनणो क्योंकि किसी ने क्या है इहदे फादर ने इहनूं अकल नहीं दित्ती, हमेशा कहणगे यार इहदी मदर ने इहनूं कुछ सिखाया ही नहीं। ये वर्ड क्यों यूज़ होंदा है उहदा रीज़न है क्योंकि असली गुरु मदर ही हुंदी है। इस लई मैं सारी फीमेल्स नूं एक गल कहना चाहवांगी, अपने आप च पहले स्ट्रोंग होण, ते सब तो पहले जिहड़ी चीज़ शुरू हुंदी है लव योर सैल्फ। फीमेल्स ज़्यादातर अज 90% सानू फीमेल्स ओवरवेट दिखती हैं, उहदा रीज़न केयरलैस, उन्होंने खुद ते तवज्जो ही नहीं की। इस लई सब तो पहले तुहाडा जिहड़ा फस्ट इंप्रैशन पैंदा है वह तुहाडी बॉडी लैंग्वेज तो पैंदा है। तुहाडा ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हुंदा है जो तुसी उहदे 'च बिल्कुल फिट हुंदे हो। इस लई सब तो पहले अपनी बॉडी नूं प्यार करो, फिर दूसरा अपने बच्चों के नाल वध तो वध टाइम बिताओ, उन्हां नूं समझो। तो जदों लगे कि यार आह वाले पेपर तो मैं बहुत सोहनी तरह क्लीयर किए तो हुण मैनूं लगता है कि मेरे बच्चे तो अपने अपने ट्रैक पर हो गए, मैनूं हुण कुछ करन दी जरूरत है। तो जो तुहाडे कोल अगर तुहानूं लग्या कि मैं जो पिछे छड़ गई मैं नहीं अचीव कर पाई, उहदे लई कदी कोई देरी नहीं हुंदी। मैं अपने आप नूं एक लाइव एग्जाम्पल लैके चलदी हाँ। मेरी मैरिज तो घट्टो घट 22-23 साल बाद मैं जाके वर्किंग हुई, वह भी मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों की मोटिवेशन के नाल। इसलिए जिंदगी से अगे वधन लई कोई एज लिमिट नहीं हुंदी, कोई ये सोच नहीं हुंदी कि मैं पहले कर सकती सी हुण नहीं कर पाई। जिस दिन सोच लो
ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਬ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਕੌਣ ਢੂੰਡੇ, ਜਿਸਕੋ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵੋ ਢੂੰਡੇ, ਰਾਤ ਆਈ ਹੈ ਸੁਬਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੀ, ਅਬ ਆਧੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੁਬਹਾ ਢੂੰਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਟਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਫ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਐਜ਼ ਏ ਮਦਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।